सर्वप्रथमे धन्यवाद जनईबी भारतीय जनता पार्टी जो वरिष्ठ नेतृवृंद अच्छा आमर वरेण्य सभापति श्रीयुक्त मनमोहन सामल जी को धन्यवाद जनईबी कृतज्ञता ज्ञापन करी तत्सहित मान्यवर सांसद श्रीमती अपरिता षडंगी जी एवं केन्द्र मंत्री सामान्य श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी एवं संगठन संपादक महोदय मानस भाई एवं अन्यान्य जो कर्मकर्ता माने मो परे गभीर आशा एवं विश्वास स्थापन करी मते भुवनेश्वर उत्तर निर्वाचन मंडलीरु विधानसभा क्षेत्र रे लड़िबा पई सुजोग दैछंती सेमानंग प्रति मु निश्चित भावरे कृतज्ञता ज्ञापन करछि धन्यवाद जणाउछि। मु एई परिप्रेक्षी रे भुवनेश्वर उत्तर निर्वाचन मंडलीर मोर जो गुरुजन माने भाई भौणी माने अछंती तांकु भी मु धन्यवाद जणाइबी गभीर कृतज्ञता ज्ञापन करिबी कारण विगत दिन रे 2014-19 रे जते विधायक थिली तांकर आशीर्वाद तांकर कुंठ समर्थन सहयोग मो प्रति भरी रहितला एवं ता परवर्ती मुहूर्त रे मध्य मो विधायक नथला बेले मध्य से माने मो सहित रहितले मते श्रद्धा देतिले मु तांक सहित सब बेले जोड़ी रहितली एवं मते आउ थरे भुवनेश्वर उत्तर निर्वाचन मंडलीर जनसाधारण को सेवा करियार सुजोग मिलिथिबारु मु सेमानंक प्रति मोर कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। भारतीय जनता पार्टी समस्त नेतृवृंद को मु धन्यवाद जणाउछि एवं मते सुजोग दैछंती ता सहित माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेन्द्र मोदी जी जो भली भाव रे भारत बर्षर विकास पई काम करुछंती विकसित भारत पई काम करुछंती सेथिरे मु आकृष्ट होइथिली एवं तांकर निर्देश रे तांकर नेतृत्व रे मु आशा करिबी ओडिसा मध्य गोटे विकसित राज्य हो पारिबो जहा कुहा जाउछि दुईटी ओडिसा राज्य रे एवं केन्द्र रे जदि डबल इंजिन सरकार हुए निश्चित भाव रे ओडिसा मध्य आगो को जाई पारिबो। लोक परिवर्तन चाहंती गणतंत्र रे परिवर्तन अवश्यम्भावी एई परिप्रेक्षी रे आमे चाहिबा जे लोक माने सरकार परिवर्तन करंतु एवं मोदी जी जेउं भली भाव रे भारत वर्ष को विश्वर गोटे प्रमुख राष्ट्र रूपे गढ़ी पारिछंती आज ओडिशा आमे आशा करिबा यदि परिवर्तन हबो भारतीय जनता पार्टी सरकार करिबो एवं आमे केन्द्रर सहयोग रे ओडिशा को निश्चित भाव रे गोटे विकास राज्य रूपे गोटे एक नंबर राज्य रूपे गढ़ी तोलिबा पई आमे प्रयास करिबा।